नमस्कार दोस्तों, आज हम भगत हनुमान व तुलसीदास के बीच के तीन मुख्य प्रसंग के बारे में बात करेंगे। महान कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरकुट में हुआ। इन्हें रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि का पुनर्जन्म माना जाता है। साथ ही भगत हनुमान को माता सीता के द्वारा उनकी श्री राम भक्ति के कारण कलियुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला था। अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने न केवल रामायण के विस्तृत रूप रामचरितमानस की रचना की थी, अपितु हनुमान चालीसा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ ही तुलसीदास जी का भगत हनुमान से गहरा नाता था। कलयुग में स्वयं हनुमान ने न केवल तुलसीदास जी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी, अपितु उन्हें दर्शन भी दिए थे। इसलिए आज हम आपको भगत हनुमान व ऋषि तुलसीदास जी के बीच के मुख्य प्रसंगों के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह त्रेता युग के समय की बात है। उस समय भगत हनुमान ने ऋषि वाल्मीकि जी से पहले ही और उनसे ज़्यादा उत्कृष्ट रामायण लिख दी थी, जिसे हनुमंत रामायण के नाम से जाना जाता है। यह रामायण उन्होंने हिमालय के पर्वतों पर अपने नाखूनों से लिखी थी। उस समय ऋषि वाल्मीकि जी अपने द्वारा रचित रामायण शिवजी को दिखाने कैलाश पर्वत जा रहे थे, लेकिन बीच में हनुमान की रामायण को देखकर उनके मन में निराशा का भाव आ गया। दोस्तों, यह देखकर भगत हनुमान ने अपनी रामायण लिखे उस संपूर्ण पर्वत को उठाकर समुद्र में डुबा दिया था। ऋषि वाल्मीकि जी हनुमान जी की ऐसी भक्ति व निष्ठा भाव देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया कि भविष्य में वे फिर से इस धरती पर जन्म लेंगे और उस समय वे श्री राम की कथा को और भी उत्कृष्ट व विस्तृत रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। साथ ही उसमें हनुमान जी के गुणों व शक्ति की उचित व्याख्या भी होगी। इसलिए दोस्तों, भविष्य में जब ऋषि तुलसीदास जी का जन्म हुआ व उन्होंने रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा को लिखा, तो उन्हें ऋषि वाल्मीकि जी का ही पुनर्जन्म माना गया। दोस्तों, दूसरा प्रसंग उस समय का है जब दुष्ट विदेशी आतंकियों का भारत पर राज था व भारत के सिंहासन पर धूर्त अकबर बैठा था। अकबर ने तुलसीदास जी की राम भक्ति व चमत्कार के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसने तुलसीदास जी को राज दरबार में बुलाया व एक मृत व्यक्ति को जीवित करने को कहकर उनका उपहास उड़ाया। दोस्तों, इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि यह सब असत्य है, मैं केवल श्री राम को ही जानता हूँ। तब अकबर ने तुलसीदास को अपने सामने झुकने व उन्हें श्रेष्ठ मानने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने राज दरबार में दंड की परवाह किए बिना श्री राम को ही सबसे श्रेष्ठ बताया। यह सुनकर दुष्ट अकबर अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने तुलसीदास जी को कारावास की सजा सुना दी। अकबर के सैनिकों के द्वारा तुलसीदास जी को फतेहपुर सिकरी के कारावास में बंद कर दिया गया। दोस्तों, तुलसीदास जी अपने अपमान व कारावास में बंद किए जाने के बाद भी विचलित नहीं हुए और अकबर का शासन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वहीं कारावास में बैठे बैठे ही हनुमान चालीसा की रचना कर दी व लगातार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर एक दिन अचानक फतेहपुरी सिकरी के कारावास और नगर पर हजारों बंदरों के समूह ने हमला कर दिया। बंदरों ने नगर को चारों ओर से घेर लिया व हर जगह से घुस गए व सामान को इधर उधर उठाकर फेंकने लगे। बंदरों के भीषण आक्रमण से अकबर की सेना में त्राहिमाम मच गया और ऋषि तुलसीदास जी को तुरंत कारावास से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, बंदर भी वह नगर छोड़कर चले गए, किंतु उनका आतंक अकबर के सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा था कि वे पुनः दोबारा उस जगह पर लौटकर नहीं आए। दोस्तों, तीसरा प्रसंग है तुलसीदास जी और हनुमान जी का मिलन। तुलसीदास जी वाराणसी के घाट पर प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़कर लोगों को सुनाया करते थे। वह पाठ सुनने एक वृद्ध कुष्ठ रोगी भी प्रतिदिन वह आता था और वह अंत में जाता था। वह वृद्ध व्यक्ति हमेशा सभी लोगों के आखिर में पीछे बैठता था। एक दिन तुलसीदास जी ने जब पाठ समाप्त किया
तब सब जा चुके थे, किंतु वह व्यक्ति वहीं बैठा था। तुलसीदास जी उन्हें पहचान चुके थे और वह उनके पास गए और उनके चरणों में गिर गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगत हनुमान थे, जिसे तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से पहचान लिया था। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए। तब तुलसीदास जी ने प्रथम बार हनुमान जी के ही सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। दोस्तों, अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने उसी जगह पर संकट मोचन नाम से मंदिर बनवाया था तथा वहीं पे समाधि ले ली थी। आज भी उस घाट को काशी का तुलसी घाट के नाम से जाना जाता है। साथ ही वहाँ संकट मोचन मंदिर भी स्थित है, जहाँ लाखों की संख्या में भगत अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना भगत हनुमान से करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।